लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द ईयर, ठीक है, किसके बारे में, द ईयर के बारे में, एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें ह्यूमन बॉडी में या तो किसी ऑर्गन का एनाटॉमी पढ़ना होगा या किसी का फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। फिजियोलॉजी तो बाह्य आकार की हो गया, बाहर से देखने पर वह कैसा है, और एनाटॉमी इनसाइड, डाइसेक्ट करने पर कैसा है, ऑपरेट करने पर कैसा है। साउंड वेव फ्रॉम आउटसाइड आर कलेक्टेड बाय द आउटर ईयर, जो आपका ये आउटर ईयर है इसके द्वारा साउंड वेव को कलेक्ट किया जाता है एंड रीच द ईयर ड्रम, और इसे ईयर ड्रम के पास पहुंचा दिया जाता है अंदर की तरफ, जो आपकी ट्यूब है इसके अंदर की तरफ, यहाँ पे ईयर ड्रम है और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, आप नीचे देखिए, और यहाँ पे भी दिखाया गया है कि कहाँ पे ईयर ड्रम है, ये देखो दिखाया गया है ईयर ड्रम, ठीक है। चलो व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जैसे ही साउंड वेव ईयर ड्रम के पास पहुँचती हैं और आपका जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दीज वाइब्रेशन आर पास्ट ऑन द ओवल विंडो, और ये ओवल विंडो से होता हुआ मेड बाई तीन बॉन्स के द्वारा आगे ट्रांसफ़र होता है। बॉन्स कौन सी हैं, पहली है हैमर, दूसरी है एनविल और तीसरी है स्टायरप। आप ये तीनों नाम याद कर लीजिए, हैमर, एनविल और स्टायरप, ये तीनों के तीनों जो बॉन हैं ये कहीं ना कहीं जो आपका वाइब्रेशन है इसे आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। विच एक्ट एज लीवर विद द पाइवट, तो यहाँ पर ये लीवर की तरह कार्य करता है। दीज मैग्नीफाई द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर जो आपका वाइब्रेशन का फोर्स है उसे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है, मैग्नीफाई कर दिया जाता है। द ओवल विंडो हैज अ स्मॉलर एरिया देन द ईयर ड्रम, ओवल विंडो एक छोटी सी एरिया जो आपका है ईयर ड्रम का वहाँ पे अटैच होता है। सो दिस इंक्रीज प्रेशर ऑन द ओवल विंडो, इसलिए ओवल विंडो पर ये प्रेशर बढ़ा देता है। एंड ऑन द लिक्विड इन द कोकिलिया, और आपको पता है कोकिलिया जो है सबसे अंदर वाला जो ईयर, स्पेशली आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, तीन तरह के पार्ट में, जोन में बांटा गया है आपका ईयर। तो सबसे बाहर तो ये आपका आउटर ईयर हो गया, ये जो बॉन्स हैं आपकी एनविल, स्टायरप और हैमर, ये वाला जहाँ पे एरिया है वहाँ इनर ईयर, वो सॉरी मिडिल ईयर हो गया, और सबसे अंदर जहाँ कोकिलिया है वो आपका इनर ईयर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, कौन से जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो द वाइब्रेशन ऑफ द लिक्विड इन अ कोकिलिया अफेक्ट थाउजेंड ऑफ ऑडिटरी नर्व्स, यहाँ पर जो वाइब्रेशन है लिक्विड का ये कोकिलिया के द्वारा अफेक्ट करता है थाउजेंड ऑफ ऑडिटरी नर्व्स, यानी कि बहुत सारी यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, उन्हें ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। नर्व्स के बारे में तो जानते ही हैं आप, कहीं ना कहीं सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। विच सेंड मैसेज टू ब्रेन, और ये मैसेज कहाँ तक पहुँचा देती हैं, ब्रेन तक पहुँचा देती हैं, कहाँ तक पहुँचा देती हैं, ब्रेन तक पहुँचा देती हैं, ठीक है। प्यार विद्यार्थियों, अवर ईयर आर वेरी डेलिकेट एंड फ्रेजाइल्स ऑर्गन, बहुत डेलिकेट हैं, फ्रेजाइल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन टू कीप देम इन हेल्दी स्टेट, हमें इनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। सम सजेशन टू कीप द ईयर हेल्दी एंड गिवन बिलो, कुछ सजेशन हैं जो कि हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे। नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन टू द ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम एंड मेक अ पर्सन डीप, अपने कान में कोई भी नुकीली चीज़ आप नहीं डालेंगे, कोई भी पॉइंटेड जो है चीज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, और इससे आप मतलब जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो डीप यानी कि बहरा भी हो सकता है। नेवर साउट लाउडली इन टू समबंस ईयर, किसी के कान में तेज़ी से नहीं चिल्लाना है आपको, है ना। नेवर हिट एनी वन हार्ड ऑन हिज हर ईयर, किसी के कान पर हिट नहीं करना है आपको,
थप्पड़ अप्पड़ नहीं मारना है कान में, बात समझ में आ रही है आपको। अब हम बात करेंगे वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।